राष्ट्र की बात करने वालों पर सुप्रीम तमाचा। कांग्रेस नेता की मौलाना सज्जाद नोमानी से अपील, सभी सेक्युलर नेता मिलकर खत्म करेंगे नफरत की राजनीति। यासुद्दीन शेख का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 8:14 पर सिर्फ देश लाइव पर। देश के करोड़ों संविधान में मानने वाले, देश की न्याय प्रणाली का पर विश्वास करने वाले, देश में रूल ऑफ लॉ लागू रहे और देश में अमन शांति और भाईचारा बना रहे, उस विचारधारा में सोचने वाले लोगों को कल बहुत ही खुशी महसूस हुई है, क्योंकि पिछले जो 10 सालों से इस देश के अंदर जिस तरीके से जहर को उगलने का और नफरत को पैदा करने का जो राजकारण इस देश में शुरू हुआ, जो हेट स्पीचेस द्वारा, और ऐसे वक्त के अंदर ये सरकार के सामने सुप्रीम तमाचा जो कल सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है और उसने जो कहा है कि देश सेक्युलर है और हमारा हर मार्गदर्शिका, हमारा हर आदेश किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं, हमारा आदेश तमाम देशवासी 140 करोड़ देशवासियों के लिए होता है और हम जो कोई भी निर्णय लेते हैं वो धर्म जाति को ध्यान में लिए बगैर देश के हितों को ध्यान में रख करके लेते हैं। कहीं ना कहीं भनक आ गई थी कि सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम तमाचा पड़ने वाला है, इसीलिए सोमनाथ के मामले में यहाँ की सरकार पर या कलेक्टर पर दबाव बनाकर बहुत ज्यादा वो किया गया कि जल्दी से निपटा दो, अब इसी वजह से वहां पर सारा बुलडोजर चलाया गया। कलेक्टर जो है उनको खुद को भी डर लग रहा था इस कार्रवाई को अंजाम देने के अंदर, और वो तो रजा पे जाने का कि छुट्टी पे जाने का वो मामले को सोच रहे थे। और ऐसे वक्त में दिल्ली से किसी मोगम्बो का फोन आता है और जो है अधिकारी उसको धमकाया जाता है और उसे कहा जाता है कि आपको ये 28 तारीख को नहीं 27 तारीख के रात को इसमें अमल करना है। जिस तरीके से राहुल गांधी, खड़गे जी मुखर होकर के मुस्लिम समाज की, दलितों की, पछातों की, यानी धर्म जाति के भेदभाव वगैरह सभी समाज की जब बात करते हैं, आप देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा मुस्लिमों के लिए हो, दलितों के लिए, पछातों के लिए, बहुत मुखर होकर के अपनी बात को बेबाक तरीके से रखते हैं। तो इसी तरीके से इसी तर्ज पे इंडिया गठबंधन के लोगों ने भी, जब उनको लोगों ने 60-70% तक मतदान एक तरफा करके उनको मजबूत किया है, तो ये जिम्मेदारी अखिलेश यादव जी की भी है, तेजस्वी यादव जी की भी है, स्टालिन जी की भी है, ममता बैनर्जी की भी है, शरद पवार जी की भी, तुम्हारी सबकी फर्ज है कि देश के संविधान को बचाने के लिए, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये देश के संविधान को बचाने के लिए जब तुम संविधान की प्रतों को तुम लहराते हो, हाथ में संविधान के लेकर के आते हो और बोलते हो कि हमको संविधान बचाना है, हमको सामाजिक न्याय दिलाना है, हमको गरीबों को उनका अधिकार दिलाना है, तो फिर आप सिर्फ ट्वीट करके या सिर्फ निवेदन करके तुम छटक नहीं सकते हो, तुमको मुखर होकर के रोड पे भी आना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के लोगों को सबको साथ में इकट्ठा होकर इस काम को अंजाम देना चाहिए। बहुत बड़े उलमा इकराम है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब, कल ही मैंने उनको एक पत्र भी लिख करके मैंने उनको रिक्वेस्ट की है, क्योंकि वो हमेशा धर्म भेद और जाति के भेदभाव के बगैर सभी लोगों के लिए, जितने भी यानी जो दबे कुचले हैं उनके लिए वो बात करते हैं, तो उनको लिखा है, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, जमात इस्लामी हो, या जितने भी हमारे जो सुन्नी हजरात हैं उनके जो फाउंडेशन है, जितने भी जो हमारे सूफी हजरात जो काम कर रहे हैं वो हो, ये जो सियाह हजरात जो है हमारे, इन तमाम लोगों अपने अकाइद को बाजू पर करके इकट्ठा होकर एक सूरा बनानी चाहिए, एक छत के नीचे सबको जोड़ा जाए, जो गाइडलाइन बनती है और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उनको अमल कराने के लिए भी हमको सियासी दबाव भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं आदेश तो आ रहे हैं लेकिन अमल नहीं होता है। तो उसका बेस्ट नतीजा यही है कि इंडिया गठबंधन के लोग सब साथ में मिलकर के एक दिन का जो धरना जो है वो महात्मा गांधी की समाधि में दिल्ली में दिया जाए और भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलकर के ज्ञापन दिया जाए। तो कहता हूं सज्जाद नोमानी साहब से कि एक सुरा बनाकर सभी को साथ में लेकर के, उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हो, उसमें महमूद मदनी साहब भी हो, उसके अंदर जो हमारा मुस्लिम लोग पर्सनल वोट के लोग हो तो की रजा खान हो, हमारे सरवर चिश्ती साहब हो, हमारे जो सियाह हजरात के जो उलमा का, यानी सभी जो लोग फिक्रमंद है, हमारी पंजाब की जामा मस्जिद की शाही इमाम वो भी बहुत अच्छी बात को लेकर करते हैं, महमूद प्राचा है, यानी बहुत सब लोग एक गौरव फिक्र करते हैं। तो वक्त अभी अंदर अंदर एक दूसरे के सामने लड़ने का नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मोहम्मद अदीब साहब काम करते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से दूसरी तंजीमें भी काम करती हैं, तो इस तमाम तंजीमों को अब अपना अपना ईगो और अहम को दरकिनार करना चाहिए और एक प्लेटफॉर्म पे आके एक फेडरेशन बना करके, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, जितने भी मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ने वाले, देश के साथ
मजलूमों को दिलाने की लड़ाई, तब आपको इकट्ठा होकर हम गैर लोग किसी भी मजहब के हो उसको मजहब को दरकिनार कर दो। देश के संविधान सबसे फर्स्ट है, बिल्कुल देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जो हमारा ये जो मीडिया है उनको भी जाकर के मिलना चाहिए, उनको भी जाकर के बात करनी चाहिए कि हम देखते हैं कि शाम होते ही चैनलों पर जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम भारत पाकिस्तान इस तरीके से यानी होता है कि देश के अंदर ऐसा लगता ही नहीं है कि मीडिया जो हमारा है वो इंसाफ के लिए या देश में शांति भाईचारा माहौल बने उसके लिए काम नहीं कर, तो उनको भी जाकर के जो वहां पे मिलना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए और मीडिया भी उसका अपना धर्म निभा पाए उसके लिए उनसे भी जाकर के गुजारिश करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर जाएंगे बात करेंगे तो उसका जरूर असर होगा, चाहे नीतीश जी हो चाहे चिराग पासवान जी हो या चंद्रबाबु नायडू जी, वो भी तो चाहते ही है कि देश के अंदर संविधान का राज हो, वो भी चाहते हैं देश में अमन भाईचारा हो, तो उनसे मिलकर के अगर वो बात करेंगे कि भाई तुम जहां भी हो जो भी तुम्हारे हो लेकिन तुम कम से कम भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को और आरएसएस के लोगों को ये मैसेज तुम देना चाहिए तुमको कि भाई हमको तुम्हारा राजधर्म निभाना चाहिए। हमारे यहाँ जब भी कोई कानूनी लड़ाई आई जब नाइंसा भी तो लड़ने वाले तिस्सा से तलवाड़ हो, मुकुल वासनिक हो, महेश भट्ट, कौन थे ये, सभी के सब हिंदू थे। अब हमें सबको इंसानियत को जिंदा रखना है तो सबको मिलकर के सिर्फ दिखावा नहीं और सिर्फ सम्मेलन या कार्यक्रम नहीं, क्योंकि एक कार्यक्रम होता है इकट्ठा होते हैं बातचीत होती है फिर उसके बाद कुछ भी नहीं, लेकिन नहीं जमीन पे अब उतरना पड़ेगा।